इस कहानी की शुरुआत फायर डीमन के प्लेनेट मुस्पेलियम से होती है, जहां थोर जंजीरों में बंधा हुआ था। थोर हमें बताता है कि जब वो पृथ्वी पर था तो उसने एक अच्छे हीरो की तरह दो तीन बार धरती को बचाया और सुकोया की लड़ाई के दो साल बाद कुछ अनंत मणियों की खोज में निकला, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और फायर डीमन सैटर ने उसे यहाँ कैद कर लिया। सैटर थोर से बात करने के लिए उसे पिंजरे से नीचे लटकाता है। थोर उसे कहता है कि मुझे लगा था कि ओडिन यानी कि मेरे पिता ने 5000 साल पहले तुम्हें मार दिया था। तो सैटर उसे कहता है कि हजारों सालों पहले ओडिन ने मुझे हरा दिया था, लेकिन वो मुझे मार नहीं सका और उसने मेरी शक्ति अनंत अग्नि छीन ली और मुझे यहाँ इस प्लेनेट पर कैद कर दिया। मगर अब ओडिन एसगार्ड में नहीं है, इसीलिए मैं अनंत अग्नि को फिर से हासिल कर लूंगा और जब अनंत अग्नि और मेरा मुकुट फिर से मिलेंगे तो मेरी शक्ति चरम सीमा पर होगी, जिससे मेरा रूप विशाल हो जाएगा और मैं भविष्यवाणी रेगनेरोक के मुताबिक पूरे एसगार्ड का अंत कर दूंगा और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि तुम यहाँ कैद हो। थोर उसकी इन बातों से समझ जाता है कि रेगनेरोक भविष्यवाणी को रोकने के लिए उसे सिर्फ सटर को मारकर उसका मुकुट उखाड़ना है, इसीलिए वो अपने हैमर म्योनिर को वहाँ बुला लेता है, जिससे वो चेन तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर सटर के फायर डीमन थोर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन थोर अपने हैमर की मदद से सभी को खत्म करता जाता है। सटर ये देखकर थोर पर हमला करने लगता है, लेकिन थोर उसके वार से बचता उसे बहुत मारता है और उसे खत्म करके उसका मुकुट हासिल कर लेता है, ताकि उस मुकुट को ओडिन की तिजोरी में रख दे और रेगनेरोक भविष्यवाणी कभी सच ना हो। लेकिन तभी सैटर के सभी फायर डीमन उस पर हमला करने आने लगते हैं, जिससे फायर ड्रैगन भी आजाद हो जाता है। ये देखकर थोर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है, जिससे थोर हेमडाल को बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन हेमडाल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि अब हेमडाल की जगह स्कर्ज को बायफ्रॉस्ट ब्रिज का संरक्षक बना दिया गया था, जहां वो तीन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें बायफ्रॉस्ट के फायदे बता रहा होता है कि मैं इस बायफ्रॉस्ट की मदद से नवग्रह का हर एक खजाना हासिल कर सकता हूं, और उन्हें वो सारी चीजें दिखाता है जिसे उसने बायफ्रॉस्ट की मदद से चुराई थी। तभी एक लड़की बायफ्रॉस्ट से आ रही थोर की आवाज सुन लेती है, इसीलिए वो स्कर्ज को बताती है कि बायफ्रॉस्ट कुछ बोल रहा है। तो स्कर्ज बायफ्रॉस्ट की तलवार यानी कि होफन से बायफ्रॉस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जब थोर को फायर ड्रैगन खाने लगता है तो बायफ्रॉस्ट की वजह से थोर ड्रैगन के कटे हुए सर के साथ एसगार्ड पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो लड़कियां काफी डर जाती है। थोर स्कर्ज से हेमडाल के बारे में पूछता है, जिस पर स्कर्ज कहता है कि वो एक राजद्रोही था क्योंकि ओडिन ने उस पर काम चोरी का इल्जाम लगाया था, इसीलिए वो यहाँ से कहीं भाग गया और उसे ढूंढना नामुमकिन है क्योंकि हेमडाल सब कुछ देख सकता था। ये सुनकर थोर महल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो देखता है कि महल के बाहर लोकी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। ये देखकर थोर को विश्वास नहीं होता और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ लोकी की बहादुरी भरी मौत का नाटक चल रहा है, जिसे ओडिन बहुत ही एंजॉय करते हुए देख रहे थे। थोर सटर की खोपड़ी को सिपाही को दे देता है ताकि वो उसे तिजोरी में रख सके। थोर ओडिन को कहता है कि मुझे कुछ दिनों से भयानक सपने आ रहे हैं जिसमें एसगार्ड खत्म हो रहा है। तो ओडिन उसे कहते हैं कि यह तो तुम्हारा एक बुरा सपना है, जिससे थोर समझ जाता है कि लोकी ओडिन के बेश में है, इसीलिए अपने हैमर को दूर फेंकता है, जिससे लोकी को अपने असली रूप में आना पड़ता है। एसगार्ड की पूरी जनता ये देखकर हैरान हो जाती है। लोकी स्कर्ज पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। थोर लोकी से पूछता है कि ओडिन कहाँ है, तो लोकी उसे अर्थ पर एक रिटायरमेंट बिल्डिंग के पास लेकर जाता है, जिसे अब पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। लोकी थोर को कहता है कि मैंने उन्हें यहीं छोड़ा था, तो थोर उस पर गुस्सा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मैंने तुम्हें मरते देखा था, इसीलिए हमने तुम्हारा मातम मनाया। लेकिन तभी स्टेज के मैजिक की वजह से लोकी वहाँ से गायब हो जाता है। थोर को कुछ समझ नहीं आता और उसे वहाँ न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल का एड्रेस मिलता है। थोर जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर स्टेन से होती है। डॉक्टर स्टेन थोर को बताते हैं कि मैं उन इंसानों और एलियन की लिस्ट रखता हूँ जो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, और उस लिस्ट में तुम्हारा भाई लोकी भी शामिल है। तो थोर बताता है कि वो हर बुरी लिस्ट में होता है, मगर हम उसे अपने पिता ओडिन को ढूंढने के लिए यहाँ लाए थे, और जैसे ही हमें ओडिन मिल जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो स्टेन उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने खुद अपना अकेलापन चुना था, मगर मैं तुम्हें उन तक पहुँचा सकता हूँ क्योंकि वो नॉर्वे में है, मगर उसके बाद तुम्हें लोकी को लेकर यहाँ से जाना होगा। तो थोर उसकी बात मान लेता है। तो स्टेन थोर के बाल की मदद से ओडिन तक जाने का एक पोर्टल खोल देते हैं और लोकी को उसे वापस लौटा देते हैं। लोकी स्टेन पर गुस्सा होता है कि मैं पिछले आधे घंटे से जादू में गिरता जा रहा हूँ,
हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो स्टेज पर अटैक करने लगता है, लेकिन स्टेज पोर्टल से उन्हें ओडिन के पास भेज देते हैं, जहाँ उन्हें ओडिन नजर आ जाते हैं। ओडिन उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम दोनों का इंतजार था और मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। और वो उन्हें थोर की बड़ी बहन हेला के बारे में बताते हैं कि वो मौत की देवी है जो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहती थी, इसीलिए जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मैंने उसे कैद कर दिया। और उसे उसकी शक्ति एस्गार्ड से मिलती है, और अगर वो एक बार वहाँ पहुँच गयी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो थोर उन्हें कहता है कि हम साथ मिलकर उसे रोक लेंगे, जिस पर ओडिन कहते हैं कि मेरी सासों ने उसे इतने सालों से रोका हुआ था, मगर मैं अब उसे नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि मेरा वक्त आ चुका है और तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है, इसीलिए जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, मगर तुम इस जगह को याद रखना क्योंकि हमारा घर है। और ऊर्जा में बदल कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। थोर लोकी पर गुस्सा होता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तभी ओडिन के मरने की वजह से हेला केस से आजाद हो जाती है। वो अपने भाई थोर और लोकी को कहती है कि अपनी रानी के आगे सर झुकाओ, इससे थोर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उस पर म्योनिर से अटैक कर देता है। लेकिन हेला बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो म्योनिर को पकड़कर उसे पत्थर की तरह तोड़ देती है। थोर को ये देखकर विश्वास नहीं होता, तो हेला उसे कहती है कि तुम तो ये भी नहीं जानते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और वो उन पर अटैक करने के लिए अपने नेक्रोसोर निकाल लेती है। ये देखकर लोकी काफी डर जाता है और वो बाइफ्रोस्ट खुलवा लेता है, जिससे थोर और लोकी एस्गार्ड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हेला भी उनके पीछे आ जाती है। थोर और लोकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेला उन्हें बाइफ्रोस्ट से बाहर फेंक देती है। हेला एस्गार्ड पहुँचते ही थोर के दोस्त वोल्स्टाग और फेडल को मार देती है। इसका यह देख कर उसके सामने सर झुका लेता है और उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ सफाई का काम करता हूँ। तो हेला उसे कहती है कि तुम बहुत समझदार और चालाक हो, इसीलिए वो उसे अपने साथ काम पर रख लेती है। वही हमें थोर को दिखाया जाता है जो सकार नाम के प्लेनेट पर जाकर गिर जाता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा मौजूद था, क्योंकि वहाँ अलग अलग दुनियाओं के वर्महोल खुले हुए थे जिससे वहाँ कचरा गिरता रहता था। तभी वहाँ कुछ लुटेरे थोर को पकड़ने के लिए आ जाते हैं ताकि वो थोर को खा सके। थोर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उसका हथौड़ा नहीं था, इसीलिए वो उसे इलेक्ट्रिक जाल में पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक शिप आ जाता है जिसमें से एक शराबी लड़की बाहर आती है, जिसका नाम वल्करी था, जो उन्हें कहती है कि ये मेरा है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने आने लगते हैं। तो लड़की उन सभी लुटेरों को अपनी शिप की बंदूकों से मार देती है। थोर उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन तभी वो थोर के गले पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक डिस्क फेंक देती है, जिसकी मदद से वो थोर को बेहोश कर देती है और उसे बेचने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है। वही हमें एस्गार्ड में दिखाया जाता है कि ओगुन एस्गार्ड की पूरी सेना को लेकर हेला को रोकने आ जाता है। तो हेला उन्हें कहती है कि ओडिन अब नहीं रहे और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ, इसीलिए मैं इस राजगद्दी की असली वारिस और मौत की देवी हूँ। फिर उन्हें बताती है कि एक समय पर हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति थे और हमें रोकने वाला और कोई नहीं था, लेकिन ओडिन ने नौ ग्रहों के आगे कुछ सोचा ही नहीं, मगर मेरी किस्मत में सभी ग्रहों पर राज करना लिखा था और मैं उस सत्ता को फिर से हासिल करके रहूंगी, इसीलिए तुम सब मेरे सामने घुटने टेक लो और मेरी सेना में शामिल हो जाओ। लेकिन ओगुन उसकी बात नहीं मानता और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हेला को इससे गुस्सा आ जाता है और वो अपने नेक्रोसोर से एक एक करके पूरी एस्गार्डियन सेना को मार देती है और स्कर्ज को लेकर महल पहुँचती है, जहाँ स्कर्ज को अपने इतिहास के बारे में बताती है कि ओडिन ने मेरी मदद से नौ ग्रहों को जीत लिया था, लेकिन जब मेरा लक्ष्य उनके लक्ष्य से बड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे कैद कर लिया, मगर उन्होंने एस्गार्ड के सिपाहियों का सम्मान किया और उन सभी की समाधि इसी महल के नीचे बनाई। और उसे लेकर ओडिन की तिजोरी में जाती है, जहाँ अनंत अग्नि को रखा हुआ था, और वो उस अनंत अग्नि की मदद से अपने सारे मरे हुए सिपाहियों और अपने पालतू भेड़िए फेनरिस को फिर से जिंदा कर लेती है, ताकि वो उनकी मदद से पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। हेमडाल सब कुछ देख सकता था, इसीलिए उसे इस बात का पता चल जाता है और वो बाइफ्रोस्ट पर जाकर बाइफ्रोस्ट की तलवार ओफन को चुरा लेता है। वही हेला युद्ध की तैयारी करती है और वो स्कर्ज को बताती है कि मैं ओडिन की पहली जल्लाद थी और अब से तुम मेरे जल्लाद हो, और उसे एक हथियार देती है। फिर वो सभी ग्रहों को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ बाइफ्रोस्ट पर पहुँचती है, मगर जब वो देखती है कि तलवार वहाँ नहीं है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो स्कर्ज को कहती है कि सभी विद्रोहियों को इकट्ठा करो और उस तलवार का पता लगाओ, क्योंकि वो तलवार ही बाइफ्रोस्ट को खोलने की चाबी है। वही हमें थोर को दिखाया जाता है, जिसे वल्करी ग्रैंड मास्टर को बेचने के लिए उसके पास लेकर
पर जाती है। ग्रैंड मास्टर सकार का रूलर होता है जो कि एक तानाशाह था जिसे खिलाड़ियों का दंगल करवाना अच्छा लगता है, इसीलिए वल्करी उसके लिए खिलाड़ियों को पकड़ कर लाने का काम करती थी और इसी वजह से सभी उसे स्क्रैपर के नाम से जानते थे। ग्रैंड मास्टर जब देखता है कि थोर बहुत ताकतवर है तो वो उसे वल्करी से 10 करोड़ में खरीद लेता है। थोर वल्करी पर गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे चेयर से बांधा गया था। तभी वहाँ थोर को लोकी दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुश हुआ उसे अपने पास बुलाता है और उसे खुद को छुड़ाने को कहता है। तो लोकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता क्योंकि जब मैं हफ्तों पहले यहाँ आया था तो मैंने बहुत मुश्किल से ग्रैंड मास्टर से दोस्ती की और उसका भरोसा जीता। जिस पर थोर उसे कहता है कि तुम हफ्तों पहले यहाँ कैसे आ सकते हो, तो ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि यहाँ सकार पर टाइम अलग हिसाब से चलता है जिससे मेरी उम्र यहाँ बहुत कम है। फिर वो लोकी से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो लोकी उसे बताता है कि मेरा सौतेला भाई है। तो ग्रैंड मास्टर थोर को कहता है कि अगर तुम वापस एसगार्ड जाना चाहते हो तो तुम्हें रिंग में मेरे चैंपियन से लड़ना होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। तो थोर मान जाता है और ग्रैंड मास्टर उसे ग्लेडिएटर क्वार्टर में डाल देता है ताकि वो अगले दिन थोर और उसके चैंपियन का मैच करवा सके। थोर की मुलाकात वहाँ कोर्ग और मिक से होती है। थोर कोर्ग से कहता है कि तुम क्रोनन हो मगर तुम यहाँ कैसे आए, तो कोर्ग उसे बताता है कि मैंने अपने प्लेनेट पर बगावत करने की सोची थी लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, मगर मैं इस जगह पर भी बगावत करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया थी। कोर्ग थोर को बताता है कि ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से कोई नहीं जीत सकता क्योंकि आज तक जो भी उससे लड़ा उसे चैंपियन ने मार दिया, इसीलिए मैं सिर्फ छोटा मोटा दंगल करता हूँ और लोगों का मन बहलाता हूँ। तो थोर उसे कहता है कि मैं उस चैंपियन से जीत कर रहूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर थोर उदास हुआ अपने पिता को याद कर रहा होता है लेकिन तभी लोकी अपनी पावर से उससे मिलना आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ग्रैंड मास्टर से रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता मगर उसे बस में किया जा सकता है, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ ग्रैंड मास्टर की तरफ आ जाओ तो हम किसी तरह से इस जगह पर राज कर सकते हैं। लेकिन थोर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो लोकी उसे कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुमने देखा ना केला कितनी ताकतवर है और उसने तुम्हारे हैमर को भी तोड़ दिया था। लेकिन थोर उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि थोर लड़ाई के लिए अपना हथियार चुनने जाता है जहाँ थोर की नजर उस लड़की पर जाती है जो उसे पकड़ कर यहाँ लाई थी। थोर देखता है कि उस लड़की के हाथ पर वल्करी का निशान होता है। वल्करी एसगार्ड की महिला वीरांगनाओं की टोली हुआ करती थी, इसीलिए थोर उसे कहता है कि एसगार्ड खतरे में है लेकिन वल्करी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो थोर उसे कहता है कि लगता है कि तुम कोई देशद्रोही कायर हो इसीलिए तुम मैदान छोड़कर यहाँ भाग आई। तो वल्करी उसे कहती है कि एसगार्ड नहीं सकार है इसीलिए तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आकर थोर को वहाँ से ले जाते हैं और उसे लड़ाई के लिए तैयार करने लग जाते हैं। वो थोर के बाल काट देते हैं। फिर हमें दंगल के मैदान को दिखाया जाता है जहाँ आज इस मैच को देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। फिर मैदान में थोर को लाया जाता है जो चैंपियन से लड़ने के लिए तैयार था। फिर चैंपियन को मैदान में लाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि हल्क होता है। थोर अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता था कि वो मर गया है और वो हल्क से बात करने लग जाता है लेकिन उसे बैनर कहने की गलती कर देता है जिससे हल्क गुस्सा हुआ थोर पर अटैक करता है और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। थोर हल्क को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता रहता है। थोर को इससे अपने पिता की झलक दिखाई देती है जिससे उसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी पूरी पावर से हल्क से फाइट करने लग जाता है जिससे हमें यहाँ थोर और हल्क की बहुत ही बिग फाइट दिखाई जाती है जहाँ थोर हल्क को बुरी तरीके से धो रहा था। ग्रैंड मास्टर जब ये देखता है कि उसका चैंपियन हार रहा है तो थोर को इलेक्ट्रिक रिंग की मदद से बेहोश कर देता है क्योंकि सभी लोग हल्क को बहुत पसंद करते थे। वहीं हमें एसगार्ड में हिला के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो उस तलवार की तलाश कर रहे थे, इसीलिए वो कुछ लोगों के पीछे थे। लेकिन तभी हेमडाल वहाँ आकर सभी को बचा लेता है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है जो कि एसगार्ड के पूर्वजों का किला था जहाँ उसने एसगार्ड की आधी जनता को छिपा कर रखा था। वहीं थोर की जब आँख खुलती है तो हल्क के शानदार क्वार्टर में होता है जहाँ हल्क नहा रहा था। थोर हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो हल्क उसे वो क्वीन जेट दिखाता है जिससे वो यहाँ आया था। इससे अब थोर को विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ से निकल सकता है, इसीलिए वो हल्क को भी अपने साथ जाने के लिए मनाने लगता है। वो उसे कहता है कि हमें रेगनेरोक को रोकना होगा जो कि मेरे प्लेनेट की भविष्यवाणी है और अगर तुम मेरी एसगार्ड जाने
पहुंचाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर पहुंचा दूंगा। लेकिन हल्क पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए थोर को कहता है कि मैं यहीं रहूंगा। तो थोर अकेले ही वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसके गले में इलेक्ट्रिक डिस लगी हुई थी, इसीलिए वहाँ से नहीं निकल पाता। थोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो हेमडाल को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि मेरी मदद करो। तो हेमडाल उसे अपनी पावर से एसगार्ड दिखाता है, जहाँ उसे बताता है कि मैं एसगार्ड के लोगों को पूर्वजों के पुराने किले में छिपा रहा हूँ, और अगर एक बार सिपाही हम तक पहुँच गए तो हमें एसगार्ड छोड़ना होगा, क्योंकि अल्लाह की शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगी। तभी थोर वापस अपने शरीर में आ जाता है, वो काफी परेशान होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकलने के लिए अपने गले पर लगी हुई इलेक्ट्रिक डिस्क को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तभी हल्क उसे परेशान करने लगता है, जिससे थोर हल्क को कहता है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे कोई प्यार नहीं करता, जिससे हल्क उदास हो जाता है। तो थोर उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और उसे वल्करी को यहाँ बुलाने को कहता है, क्योंकि वल्करी हल्क की काफी अच्छी दोस्त थी। वल्करी जब वहाँ आती है तो थोर उससे बात करने की कोशिश करता है, वो उसे बताता है कि ओडिन अब नहीं रहे और मौत की देवी हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं उसे रोक कर रहूंगा और इसके लिए मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ। लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो थोर उसे रोक कर कहता है कि तुम तो वीरांगनाओं की महान टीम का हिस्सा थी, तो तुम यहाँ कैसे आई? तो वल्करी उसे बताती है कि तुम्हारे बहन की शक्ति एसगार्ड से है, और जब उसकी शक्ति हद से ज्यादा बढ़ गई थी तो उसने महल में कत्लेआम किया और ओडिन की गद्दी छीनने की कोशिश की। तो ओडिन ने उसे सजा सुनाई, मगर हेला ने भागने की कोशिश की, इसीलिए ओडिन ने वल्करी की टीम को उन्हें रोकने भेजा। लेकिन सिर्फ मैं ही जिंदा बची, क्योंकि मेरी एक साथी ने मुझे बचा लिया था, इसीलिए मैं दोबारा एसगार्ड की गद्दी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। तो थोर उसे कहता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने राजगद्दी ठुकरा दी, मगर मुझे अपनी जनता की फिक्र है, क्योंकि वो मर रहे हैं। तो वल्करी कहती है कि सब भूल जाओ जैसे मैं भूल गई थी, मगर थोर ने उसे इन बातों में फंसाकर उससे इलेक्ट्रिक डिवाइस चुरा लिया था, इसलिए उसे थैंक्स कहता है और वो उस डिवाइस की मदद से उस इलेक्ट्रिक रिंग को अपने गले से निकाल लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। थोर वल्करी से कहता है कि मैं असली हीरो हूँ और मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, और वो खिड़की तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो क्वीन जेट पर पहुँचता है और वो उसे एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि टोनी ने उसे सभी एवेंजर के लिए बनाया था। लेकिन तभी हल्क वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो थोर को रोकना चाहता था, इसीलिए उस पूरे जेट को बर्बाद कर देता है। थोर उसे रोकने के लिए नताशा का वीडियो चला देता है, क्योंकि वो जानता था कि बैनर नताशा से प्यार करता है, इसीलिए बैनर हल्क पर हावी होने लगता है, जिससे वो बैनर के रूप में आ जाता है। थोर उसे बताता है कि तुम पिछले 2 सालों से हल्क के रूप में थे, जिससे हल्क ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। बैनर इससे काफी हैरान होता है कि सुकोया के बाद से हल्क था और उससे अपने पिछले 2 सालों का कुछ याद नहीं है। तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर सभी सकार वासियों को अलर्ट करता है कि थोर मेरे चैंपियन हल्क को लेकर भाग गया है, इसीलिए सभी उसकी तलाश में लग जाओ। थोर बैनर को बताता है कि तुम 2 सालों से ग्रैंड मास्टर के गुलाम थे। फिर वो उसे पहनने के लिए टोनी के कपड़े देता है और उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि थोर को डर था कि अगर बैनर वापस से हल्क बन गया तो उसका बैनर बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही ग्रैंड मास्टर लोकी और वल्करी को अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि थोर ने मेरे चैंपियन को गायब कर दिया है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे पकड़कर लाना होगा। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लोकी वल्करी से कहता है कि तुम मेरे भाई का साथ क्यों दे रही हो? तो वल्करी उसे कहती है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ। लेकिन लोकी उसके हाथ में वल्करी का निशान देख लेता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैंने सुना था कि सभी वल्करी कुत्तों की मौत मारी गई थी। इससे वल्करी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोकी को बेहोश कर देती है। वही थोर और बैनर एसगार्ड जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक राक्षस बैनर पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वल्करी वहाँ आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि वो भी अब थोर का साथ देना चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों को लेकर अपने साथ जाती है। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि बैनर ही हल्क है। वो थोर को कहती है कि मैंने नशे में अपने अतीत को बुलाने में बहुत साल बिताए, लेकिन अब मैं अपनों से और मुंह नहीं फेर सकती, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और वो उन्हें लोकी दिखाती है, जिसे उसने कैद कर लिया था। लेकिन थोर को विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो लोकी पर एक चीज फेंककर चेक करता है और वो वल्करी को बताता है कि हम यहाँ से शैतानी सुरंग से निकलेंगे, जिससे हम कुछ ही घंटों में एसगार्ड पहुँच जाएंगे। तो वल्करी उसे बताती है कि यह सुरंग टूटते न्यूट्रॉन सितारे से बनी है,
इसीलिए हमें इस सुरंग को पार करने के लिए कोई मजबूत जहाज ढूंढना होगा। तो लोकी उन्हें बताता है कि ग्रैंड मास्टर के पास ऐसे बहुत से जहाज हैं जो इस सुरंग को पार कर सकते हैं और मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ग्रैंड मास्टर की सिक्योरिटी का कोड है और इसके बदले में तुम मुझे यहां से निकाल देना क्योंकि ग्रैंड मास्टर मुझसे नाराज है। तो ब्रूस सभी कहता है कि हम लोकी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो थोर उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम यहाँ क्रांति शुरू कर सकते हैं, और वल्करी को अपना प्लान बताता है जिससे वल्करी कोर्ग और उसके सभी साथियों को आजाद कर देती है जिससे वह बगावत शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर को जब इस बात का पता चलता है कि सारे कैदी भाग गए हैं तो अपने सभी सैनिकों को उन्हें ढूंढने में लगा देता है, जिससे मौका पाकर थोर लोकी की मदद से उस चेम्बर तक पहुँच जाता है जहाँ सारे जहाज रखे हुए थे। लोकी थोर को ग्रैंड मास्टर का प्राइवेट जहाज कोमरार दिखाता है जो बहुत ताकतवर शिप था, लेकिन तभी लोकी थोर को धोखा देता है और अलर्ट अलार्म बजाने लगता है। लेकिन थोर को पता था कि लोकी उसे धोखे से पकड़कर ग्रैंड मास्टर के हवाले करने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसने लोकी के पीछे इलेक्ट्रिक डिस लगा दी थी और वो लोकी के अलार्म बजाने से पहले ही उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे लोकी को शॉक लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। थोर उसे कहता है कि तुम हमेशा शरारतों के दिए भी रहोगे, मगर तुम उससे भी ज्यादा कुछ बन सकते थे, और इलेक्ट्रिक रिमोट को दूर फेंक कर वहाँ से जहाज लेकर निकल जाता है। ग्रैंड मास्टर को जब इस बात का पता चलता है तो अपने सभी सैनिकों को थोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा देता है, लेकिन वल्करी उसकी मदद करती है और वो बैनर को थोर के पास पहुंचाकर खुद सभी शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ये देखकर थोर भी उसकी मदद करने जाता है और वो दोनों मिलकर उनके पीछे आ रहे सभी शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वापस से कोमोरार जहाज पर आ जाते हैं और शैतानी सुरंग से एसगार्ड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं कोर्ग सभी कैदियों को छुड़वाकर उस चेम्बर में पहुंच जाता है जहां एक बहुत बड़ा जहाज रखा हुआ था। तभी वहां कोर्ग को इलेक्ट्रिक रिमोट दिखाई देता है, इसीलिए उसे ऑफ कर देता है और लोकी को भी अपने साथ चलने को कहता है। लोकी देखता है कि वो सभी बेवकूफ हैं, इसीलिए उन सभी को कहता है कि तुम्हें एक बेहतर लीडर की जरूरत होगी, और वो सभी एक बहुत बड़ा जहाज लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। वहीं हमें एसगार्ड में दिखाया जाता है कि एला ने बाइफोर्स की तलवार को ढूंढने के लिए सभी बचे हुए एसगार्ड वासियों को इकट्ठा कर लिया था और उन सभी में से एक लेडी को अपने जल्लाद स्कर्च के हाथों मरवाने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तलवार कहाँ है, और वो हेला को पुराने किले की तरफ लेकर जाता है जहाँ हेला किले के गेट को तोड़ने लग जाती है। लेकिन हेमडाल को इस बात का पहले ही पता चल गया था, इसीलिए वो सभी लोगों को दूसरे रास्ते से वहाँ से निकालने लग जाता है। वहीं थोर और उसके दोस्त शैतानी सुरंग को पार करके एसगार्ड पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें शिप के डिटेक्टर से पता चल जाता है कि हेला पूर्वजों के पुराने महल के बाहर पहुँच गयी है, इसीलिए वो वल्करियों कहता है कि तुम मुझे महल छोड़ दो जिससे मैं हेला का ध्यान भटकाऊंगा और तुम सभी एसगार्ड के लोगों को बचाकर बाइफोर्स से यहाँ से निकल जाना। तो वल्करी उसकी बात मान लेती है और उसे महल में छोड़ देती है जहाँ तोर सिंहासन पर बैठकर अपने पिता के हथियार गुंगनीर की आवाज से हेला को वहाँ बुलाने लग जाता है, जिससे हेला महल पहुँच जाती है जहाँ वो थोर को कहती है कि पिताजी और मैंने साथ में बहुत से ग्रह जीते थे जिससे हमने सभी जगह खून की नदियाँ बहा दी थी, लेकिन फिर जब तुम पैदा हुए तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और दयालु राजा बनने का फैसला किया ताकि वो अमन कायम कर सके, लेकिन अब पिताजी नहीं रहे इसीलिए मैं वो सब हासिल करूंगी जो मुझसे छीन लिया गया था। फिर वो थोर पर अटैक करने लगती है जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वही हेमडाल एसगार्ड के सभी लोगों को लेकर बाइफोर्स की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि उन्हें यहाँ से निकाल सके, लेकिन तभी उन्हें हेला के सिपाही और फेनरिस दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वल्करी फेनरिस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और फेनरिस सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर बैनर नीचे कूद जाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वल्करी भी हैरान होती है कि ब्रूस ही हल्क था। हल्क फेनरिस से फाइट करने लगता है, लेकिन हेला के सैनिक वहाँ पूरी एसगार्ड की जनता पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ लोकी सभी कैदियों को लेकर पहुँच जाता है और सभी एसगार्ड वासियों को जहाज पर चढ़ाने लग जाता है ताकि उन्हें सेफली वहाँ से बाहर निकाल सके। वही हेला थोर को बहुत मारती है और उसकी एक आंख फोड़ देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो थोर को बाहर का नजारा दिखाती है और उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तलवार हासिल करके रहूंगी और सभी को खत्म कर दूंगी, और वो थोर को मारने लगती है जिससे थोर अपने पिताजी के पास पहुँच जाता है। वो ने कहता है कि हेला बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं हथौड़े के बिना कुछ नहीं हूँ। तो ओडिन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो हथौड़ा तुम्हारी शक्ति को काबू करने और उसे बढ़ाने के लिए दिया था, और तुम हथौड़े
हथौड़े के देवता नहीं, तुम गॉड ऑफ थंडर हो। तो थोर उन्हें कहता क्या बहुत देर हो चुकी है, हेला ने एस्गार्ड को हत्या लिया है। तो ओडिन उसे कहते हैं कि एस्गार्ड कोई जगह नहीं है और यहाँ इस जगह पर भी एस्गार्ड बस सकता है, क्योंकि एस्गार्ड वही बसेगा जहाँ हमारे लोग रहेंगे। तो थोर भी उनकी बात समझ जाता है और वो अपनी थंडर पावर से हेला पर अटैक करने लगता है, जिससे हेला दूर गिर जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और थोर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर हेला के सैनिकों को मारने लग जाते हैं। ये देखकर स्क्रैच काफी डर जाता है, इसलिए वो भी भेष बदलकर एस्गार्ड की जनता के साथ शिप में छिप जाता है। वही हल्क भी फेनरिस से लड़ रहा होता है और वो फेनरिस को झरने से नीचे गिरा देता है। थोर भी हेला के सभी सिपाहियों को मार देता है, मगर तभी हेला वहाँ आने लग जाती है। ये देखकर वल्करी थोर और लोकी को कहती है क्या मैं उसे रोकना होगा जब तक कि सभी यहाँ से निकल नहीं जाते। तो थोर उसे कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हेला एस्गार्ड में रहेगी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और वो कुछ भी करके हमें ढूंढ लेगी, इसलिए हमें उसे खत्म करने के लिए रेगनेरोक भविष्यवाणी को पूरा करना होगा। और वो लोकी को बताता है कि सटर का मुकुट तिजोरी में रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें उसे अनंत अग्नि से मिलाना होगा, जिससे सटर विशाल रूप में हेला और एस्गार्ड को बर्बाद कर देगा। तो लोकी को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो तिजोरी की तरफ निकल जाता है। हेला थोर वल्करी पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो दोनों बहुत बहादुरी से उसका सामना करते हैं और हेमडाल शिप को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन हेला अपनी पावर से उस शिप को रोक लेती है, जिससे उसके सैनिक शिप पर चढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर स्क्रैच को भी बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसके पास यही मौका है जिससे वो खुद को साबित कर सकता है। इसीलिए वो सभी लोगों को बचाने के लिए हेला के सिपाहियों को अपनी गन से खत्म करने लगता है, जिससे वो शिप हेला की केस से छूट जाता है और सभी सेवली बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हेला स्क्रैच को मार देती है। वही लोकी महल में पहुंचकर सटर के मुकुट को अनंत अग्नि में रख देता है, लेकिन वो निकलने से पहले टेसरेट को अपने पास रख लेता है। अनंत अग्नि की वजह से सटर का पुनर्जन्म होने लग जाता है और उसका रूप बहुत विशाल हो जाता है। ये देखकर हेला बहुत डर जाती है। तो थोर और वल्करी मिलकर उसे बीच से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन हल्क बहुत बुद्धू होता है, इसलिए वो सटर से लड़ने चला जाता है, मगर सटर उसे दूर फेंक देता है। थोर हल्क को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तो हल्क उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को लेकर शिप पर पहुंच जाता है। वही हेला सटर पर हमला करने लगती है, लेकिन सटर को कुछ नहीं होता और वो हेला के साथ साथ पूरे एस्गार्ड को तबाह कर देता है। एस्गार्ड को तबाह होते देख थोर को बहुत बुरा लगता है। तो हेमडाल उसे कहता है कि तुमने हम सभी की जान बचाई और एस्गार्ड वहीं बसेगा जहाँ हमारे लोग होंगे। तो थोर खुश होता है और अब वो अपने पिता की तरह एक आई पैच पहन लेता है। तभी लोकी भी वहाँ आ जाता है। तो थोर उसे कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और अब थोर एस्गार्ड के राजा के रूप में खुद को स्वीकार कर लेता है और वो सभी पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ लोकी थोर से पूछता है कि मैंने न्यूयॉर्क पर जो हमला किया था, क्या उसके बाद मेरा पृथ्वी पर स्वागत किया जाएगा। तो थोर उसे विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तभी वहाँ थेनोस का बहुत बड़ा शिप आकर उनके सामने रुक जाता है। और इसके आगे की कहानी हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाई गई है, इसीलिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।